गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास हमारी मैथ की क्लास, एक्सरसाइज 6.4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्क्वेयर रूट निकालने के लिए। हमने जो पहली एक्सरसाइजेज थी उनमें स्क्वेयर रूट निकाला था फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनके पेयर बना के हम स्क्वेयर रूट निकाल देते थे। लेकिन अब है आपका डिविजन मैथड, और जिसको ये डिविजन मैथड समझ में आ जाता है तो हमारा जो स्क्वेयर रूट निकालना है उसको हम बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम पे हम स्क्वेयर रूट निकालना सीख जाते हैं। तो हम जैसे हम करेंगे हमारा स्क्वेयर रूट निकालना, और वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक, ये तो कंपलसरी है, 1 से 10 आपको स्क्वेयर याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, तो ये आपको स्क्वेयर से याद होने चाहिए। जिनको ये 10 तक स्क्वेयर याद होते हैं वो इन सम्स को बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम पे यानी 1 मिनट के अंदर ही ये यहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए ये मेथड समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से 2304 का यहां पर स्क्वेयर रूट निकालेंगे। तो यहां पर देखो, पहले तो सिंपल डिवीजन में क्या होता है, एक डिवाइडेड होता है और एक डिवीजर होता है, उसके बाद आप क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, सिंपल आपका डिवाइडेड वैल्यू यानी एक नंबर दे रखा है, उसका स्क्वेयर निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है आप क्या करेंगे, पीछे से आप इसके दो दो के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे आप, पीछे से जो जो यूनिट डिजिट यानी जो लास्ट वाली डिजिट है वहां से आप क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, यानी 04 का एक पेयर है और 32 का एक पेयर है। अब आप क्या करेंगे, 23 है जो हमारा, ये देखेंगे कि 23 से नीचे किसका स्क्वेयर आता है। तो 23 से नीचे आता है आपका 16, और 16 का स्क्वेयर रूट क्या है आपका 4, यानी 23 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, यहां पर आ गया आपका 16। अब देखो यहां पर 7 0, यहां पर आपका क्या बच गया, रिमाइंडर 0। अब सिंपल डिवीजन में हम सिर्फ एक 0 उतारते हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, हमने पेयर बनाया था तो हम क्या करेंगे, पेयर को ही साथ में उतारेंगे। अब फिर एक बार समझा देता हूं, पहले हम पेयर बनाते हैं 04 का पेयर, 23 का पेयर, फिर देखते हैं 23 से नीचे आपका किसका स्क्वेयर आता है। 23 से नीचे आपका आता है 16 का, अगर 25 ये ज्यादा हो जाएगा तो हम किसको लेंगे, 16, और 16 का स्क्वेयर रूट क्या है आपका 4, तो 16 यहाँ पे लेंगे और इसका स्क्वेयर रूट क्या था 4, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, अब आपका बन जाएगा ये 704। अब 704 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो चीज आप देखेंगे यहाँ पर, जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है आप उसको क्या करेंगे, उसको 2 times यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8। जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8। अब 8 है यहां पर 704। पॉसिबिलिटीज क्या होती है, हम दो तरीके देखते हैं, या तो आप क्या करेंगे, इस 8 को 70 तक लेके जाएंगे, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी अगर मैं 8 8 जा पे जाऊंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 77। या फिर आप क्या देख सकते हैं, लास्ट में यहां पर क्या है 4, और 4 किसके स्क्वेयर में आता है, 4 आता है तो 2 के स्क्वेयर में और एक 8 के स्क्वेयर में। तो अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो हमारा 164 रह जाएगा, लेकिन अगर मैं 8 यहां पर, ये पहले से ही है, यहां पर 8 तक जाऊंगा तो 8 से ही मल्टीप्लाई और ये हमारा आ जाएगा 704। तो इस वाले तरीके के बजाय आपको मैं ये तरीका बताता हूं, जैसे 8 है यहां पर, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 72 आपका ज्यादा चला जाएगा, तो आप कहां तक जाएंगे, 8 8 जा, यानी जो आप गए हैं जिस वैल्यू तक वो भी यहां पर लिखोगे और ऊपर आंसर में भी 8 लिखोगे।
अब आपको क्या करना है, 88 की मल्टीप्लाई, यानी आपने ये 8 लिया था यहां पर, ये 8 आपने ऊपर चला दिया और इस 8 की मल्टीप्लाई यानी 88 की मल्टीप्लाई 8 से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 704। इस तरीके से आपको करना है, यानी अब हमारा 2304 का स्क्वेयर रूट आपका क्या आ जाएगा 48। इस तरीके से आपको ये सम करने हैं। जैसे हम एक दो सम और करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देता हूं मेक पेयर ऑफ टू, दो का पेयर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, स्क्वेयर चेक करेंगे कि किसका स्क्वेयर कम है, या तो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वेयर, या फिर जो वैल्यू है और वैल्यू शुड बी लेस, या फिर आपकी जो वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आता है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये नेक्स्ट टाइम आपका क्या बन जाएगा, विल बिकम डिविजर, ये आपका डिविजर बन जाएगा। यानी ये आपको एक दो स्टेप याद करने हैं। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 4489। सबसे पहले आपको स्टेप में क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं, दो के पेयर बने। अब आपको क्या करना है 44 से नीचे, जो अगर परफेक्ट स्क्वेयर यहां पे आता है तो ठीक, नहीं तो जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 44 से कम, और 44 से कम किसकी वैल्यू आती है 36 की, यानी हम 36 का स्क्वेयर रूट लेंगे 6, 6 6 जा 36, यहां पर आ गया आपका 8। अब हम क्या उतारेंगे 89, यानी जो पेयर है उसको उतारेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 2 times, यानी क्वेश्चन है आपका 12, यानी 6 का क्या हो जाएगा 2 times 12। अब आप देखेंगे 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो हम कहां तक जाएंगे 7 तक, और जहां तक जाएंगे यहां पर भी 7, इसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ ही, और यहां पर भी क्या करेंगे 7। फिर एक बार समझा देता हूं क्या करना है आपको, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, अब 96 क्या है ज्यादा चला जाएगा, तो हम 7 तक जाएंगे, जहां तक हम टेबल में जाएंगे उसी के साथ, यानी हमने 7 से मल्टीप्लाई करनी है और 7 ही हमने क्वेश्चन वैल्यू में ऊपर पुट करना है। तो अब हम 127 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 889। इस तरीके से आपका 4489 का जो स्क्वेयर रूट है वो आ जाएगा आपका 67। ये तो कब होगा, जब आपके यानी पेयर है जो इजीली बन जाएंगे, लेकिन बाय चांस अगर आपका पेयर नहीं बनता, कहीं पे 3 वैल्यू आ जाती है या कहीं पे 5 वैल्यू आ जाती है, तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे 576 है, दो के पेयर बनाए, यहां पर ये अकेला रह गया तो हम क्या करेंगे आगे 0 पुट कर देंगे, तो अब क्या बन जाएगा 05, एक पेयर, 76 एक पेयर, 05 से नीचे स्क्वेयर किसका होता है, ये होता है आपका 2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहां पर 176। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 था इसका यहां पर क्या करेंगे 2 times, यानी 4। अब आप देखोगे कि 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 5 पे वैल्यू ज्यादा चली जाएगी, 4 से यहां पर पुट वैल्यू करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, यानी 176 आ जाएगा, और जो ये हमने 4 यहां पे लिया था इसको हम क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, तो 176 का, सॉरी जो आपका 576 का स्क्वेयर रूट क्या आ जाएगा 24। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज यानी स्क्वेयर रूट की वैल्यूज निकालनी है। अगर आपकी 5 डिजिट वैल्यू आ जाती है, 5 डिजिट वैल्यू है, जैसे 27225, तो आपको पेयर बनाने के लिए पीछे से लोगे दो का पेयर, फिर दो का पेयर, अगर ये अकेला रहता है तो यहां पर 0 करके इसको भी पेयर बना देंगे। अब इसको हम ऐसे वैल्यू निकालनी है, तो 2 से नीचे किसका स्क्वेयर होता है 1 का, तो यहां पर 172। अब 1 का 2 टाइम्स यानी क्या हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि 2 8 जा ज्यादा हो जाएगा, हम लेंगे 6 तक, तो यहां पर 6 आ गया। अब 26 की मल्टीप्लाई 6 के साथ ही करेंगे तो क्या आएगा 156।
अब यहां पर जो रिमाइंडर है वो आ गया आपका 16। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन वैल्यू है 16, तो 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, और पेयर में क्या उतरेगा 25। तो अब देखते हैं 3 5 15, यानी हम 5 तक जाएंगे और जहां तक वैल्यू जाएंगे उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ, ये आ जाएगा 16 25। जो वैल्यू हमने यहां पर ली थी उसको हम क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, तो आपका जो 27 225 है उसका स्क्वेयर रूट क्या आ जाएगा 165। तो जो डिवीजन मेथड है वो हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है स्क्वेयर रूट निकालने के लिए, बजाय के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 4 या 5 हमने यहाँ पर एग्जांपल किए हैं, बाकी जो रहते हैं यानी आपके इसमें 12 पार्ट है, बाकी जो रहते हैं वो आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। आज हम करेंगे इतना ही, आज के लिए जो हमारी क्लास है फर्स्ट जो सम है वो करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।